हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो इस पिटूनिया केयर पे है कि किस तरीके से पिटूनिया की लॉन्ग टाइम तक चलाया जा सकता है। जैसे कि अभी समर चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है, तभी भी मेरे काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और हेल्दी कंडीशन में है। तो कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से आपके पिटूनियाज अभी तक चल रहे हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज कि किस तरीके से मैंने इनकी केयर की हुई है, जिसके चलते ये चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि पिटूनियास विंटर के फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि विंटर में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करते हैं और ये मेरे अभी भी उसी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं। हालांकि विंटर में ये इससे भी अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। तो कैसे मैंने इन्हें बचाया हुआ है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इन्हें जब भी थोड़ा सा भी गर्मी तेज़ हो गई थी, मार्च या यूँ कहिए फरवरी के लास्ट से ही मैंने इन्हें सेमी शेड में रख दिया था, जहाँ पे इन्हें मॉर्निंग की या इवनिंग की धूप पड़े ऐसी जगह पे रख दिया था। और उसके बाद यही ख्याल रखना है, देखिए मैं आपको लोकेशन दिखा दे रही हूँ, मैंने इन्हें यहाँ पे हैंग करती हूँ जहाँ पे इन्हें मॉर्निंग की ही धूप पड़ती है, और मैंने ग्रीन नेट भी अब लगा ली है और यहाँ पे इन्हें मॉर्निंग की धूप पड़ती है, उसके बाद ये पूरा दिन शेड में रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है काफ़ी तेज़, जिसके चलते पॉट गिरने का खतरा रहता है, तो मैं इन्हें यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ, यहीं पे नीचे रख देती हूँ। दूसरा, मैं ख्याल रखती हूँ कि इनकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, और क्योंकि ये विंटर के प्लांट है तो ये गर्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इनके मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रख, और इनके स्पैन फ्लावर और जो सीड पॉट मैं पहले ही हटाती रहती हूँ, और पुरानी पत्तियाँ वगैरह इन्हें क्लीनिंग करते रहें इनकी, ताकि इनकी इनमें कोई फंगस ना लगे और इनके जो नए नए बर्ड्स हैं अभी भी रेडी हो रहे हैं वो ब्लूम्स हो सके। तो देखिए, इस तरीके से इनकी साफ़ सफाई करते रहने से ये काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे। और गुड़ाई इनकी ना करें, क्योंकि अब ये नई रूट्स डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें। मैंने काफ़ी टाइम से इनकी गुड़ाई करना बंद कर दिया है और मैं इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। कल भी मैंने इन्हें दिया है, और मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे इन्हें बीच बीच में करती रहती हूँ, 8 से 10 दिन के बीच में। और इनकी पत्तियाँ देखिए पहले से कम ग्रीन हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है प्लांट्स में, तो मैंने इन्हें एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी किया हुआ है। तो इन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के पिटूनिया को काफ़ी टाइम तक चलाया जा सकता है, और मैंने लास्ट ईयर भी अपने पिटूनियाज को मई तक चलाया था, उसके बाद वो ख़राब हो गए थे जून की गर्मी में। और बस अभी भी मेरी यही कोशिश है कि जितने ज़्यादा हो सके मैं इन्हें चला लूँ, और काफ़ी अच्छे विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं।